इंडिया में जितने लोगों के पास बैंक अकाउंट होते हैं उन सभी लोगों के पास चेकबुक भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो यूजर होते हैं 90% से ज़्यादा लोगों के पास चेकबुक रहता ही है। और आजकल तो ऑनलाइन पे भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ATM और चेकबुक बाय पोस्ट आपके घर में आता है। तो आप भी चेकबुक का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर चेकबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अलर्ट से ये काम करना होगा, क्योंकि आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कत हो सकता है और आपको कोई जुर्माना देना पड़ सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप सही ढंग से चेकबुक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो पर बना रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले बात करेंगे उन लोगों को जो कोई चेक के बारे में नहीं जानते या फिर सिर्फ वो साइन करना ही जानते हैं, उनको कोई मतलब ट्रांजेक्शन करने का कोई भी उतना पता नहीं है, सिर्फ वो चेक में ही साइन करते हैं या फिर किसी का नाम अमाउंट लिखना वो उनको नहीं आता, बस वो चेक में साइन करना जानते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना ये कि आपको किसी भी चेक को बिना देखे और बिना अमाउंट लिखे आपको साइन नहीं करना है। सिग्नेचर करके ब्लैंक चेक वहाँ पर नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कत होगा और आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं है। छोटी सी एक गलती की वजह से आपके ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि जब भी आप चेक देंगे और जिसको देंगे वो अगर आपका भरोसे के लायक नहीं है या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकता है कि वो अपने हिसाब से अमाउंट भर कर अगर वो डिपॉजिट करेगा बैंक में जाके, क्योंकि आपने सिग्नेचर दिया हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा आपका सिग्नेचर, और मैच होता है तो आपके अकाउंट में उतना पैसा जितना पैसा वो चेक में भरेगा उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल नहीं होगा तो चेक बाउंस होगा। तो आजकल चेक बाउंस होने पर भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है चेक ओनर को यानी कि अकाउंट होल्डर को। अगर आप ऐसे करते हैं और उसके बाद वो कंप्लेन कर देंगे 138 सेक्शन के हिसाब से, तो आपको जेल जाने के साथ साथ जितना पैसा वो अमाउंट अपने चेक में यानी कि आप जो देंगे उसी चेक में भरेंगे उतना पैसा आपको देना भी होगा, तो रिकवरी के लिए वो केस भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सावधान होना है कि जब भी आप सिग्नेचर दें सबसे पहले अमाउंट देखिए अमाउंट भरा हुआ है कि नहीं। ये काफ़ी सारे समय में देखा गया है कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग को कुछ पता नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर देना जानते हैं उन लोगों के लिए है, और काफ़ी सारे लोग जो कि चेक के बारे में नहीं जानते हैं, आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा कैसे आपको सही तरीके से चेक लेन देन करना होगा। तो कोई भी केस क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जब भी आपका चेक किसी के पास जाता है और आपका सिग्नेचर वैलिड बन जाता है और आपके चेक में जो अमाउंट है उतना अमाउंट का आपके बैंक में पैसा नहीं होता, जो चेक बाउंस हो जाता है, इस केस में सेक्शन 138 के हिसाब से आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपको उतना पैसा आपको भरना भी पड़ सकता है, आपको जैसे करके आपको देना ही होगा। तो सबसे पहले बचने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि जब भी आपको चेक का लेन देन करना है तो आप किस तरीके से चेक दे सकते हैं किसी को। मान लीजिए किसी को आपको 50,000 देना है तो सबसे पहले देख लीजिए उतना अमाउंट का आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, जिस अकाउंट का चेक आप भर रहे हैं। अगर है तो उसके बाद उसका नाम आप प्रॉपरली लिख दीजिए चेक में। इसके बाद सेकंड है अमाउंट। अमाउंट जैसे आप लिखेंगे उसके बाद अमाउंट लिखने के बाद ही आप स्लैश और हाइपेन जरूर दें, ताकि कोई भी बाद में उसे छेड़खानी ना कर सके। और जितना अमाउंट भरेंगे उतना आप वर्ड्स में भी लिख दीजिए, उसके बाद ही आप सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करने के बाद आपको एक और काम करना होगा, चेक में लेफ्ट हैंड जो कॉर्नर साइड है होते हैं वहाँ पर आपको डबल लाइन खींचना होगा ताकि वो अकाउंट पेएबल हो जाए, जिसके नाम पे आप देंगे उसके अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा और कोई भी बैंक में जाके वो कैश नहीं निकलवा सकता, वो पहले जाके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा उसके बाद ही वो निकाल सकता है। तो ये ध्यान रखें जितना भी बार आप चेक का लेन देन करें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी टाइम क्यों ना हो, जब भी आप किसी को अगर बिना अमाउंट लिखे सिग्नेचर करके देते हैं तो उस केस में आपका कोई भी बात नहीं सुना जाएगा। जिसके पास आप देंगे, जिसको आप चेक देंगे, वो जो भी बोलेगा या फिर जितना अमाउंट वो वहाँ पर मेंशन करेगा उसके बाद पर ही विश्वास करेंगे या फिर बिलीव करेंगे, और वो बोलेगा कि मैंने कुछ सामान इनसे परचेज किया था, और लास्ट में ये हो जाएगा कि आपके पास कुछ बाकी था पैसा उसको देने के लिए, इसीलिए आपने चेक दिया बोल के। तो इसीलिए कोई भी चेक देने से पहले आप अच्छी तरीके से देख ले कि वो चेक सही है कि नहीं, और वहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ही आप चेक दें। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ साइन करना चाहते हैं, वो घर में अपने चेक में पहले ही साइन करके रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी टाइम में अगर आप अपने चेक में अगर साइन करके रखेंगे और वो अगर एक बार भी मिसप्लेस हो गया तो उसके बाद का प्रॉब्लम आपको खुद झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी
कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, आप अपने चेक में साइन पहले बिल्कुल भी ना करें, और अपने घर में तो बिल्कुल भी चेक को साइन करके ना रखें। और चेक को साइन करके रखेंगे और ऊपर का कुछ फिलअप नहीं करेंगे तो आपका ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। भले ही आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो, फिर भी कोई भी बंदा अगर उस चेक को ले जा सकता है, चोरी कर सकता है और अमाउंट भर के वो डिपॉजिट करेगा, उसके बाद आपके नाम पर वो केस कर सकता है चेक बाउंस होने के बाद। और जब भी आप देखें अपने चेक में कोई भी चेक मिस है, आपको लगे कि एक दो चेक मिस है, तो आप तुरंत जाके बैंक में अपने अकाउंट को होल्ड करें कि जब भी कोई भी व्यक्ति चेक दे आपके अकाउंट के हिसाब से, तो आप उसके ऊपर कोई भी चेक पास ना करके बोल के तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ महीने पहले ही हाईकोर्ट कर्नाटका ने एक ऑर्डर पास किया था जहाँ पर ट्राई 138 सेक्शन के हिसाब से चेक बाउंस होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा बोल के वहाँ पर मेंशन हुआ था। तो अगर आप भी चेक बुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलर्ट होकर काम करना है। चेक बुक इस्तेमाल करना डेंजर नहीं है, लेकिन आप सिग्नेचर करके अमाउंट को ना देखना या फिर अमाउंट को ब्लैंक छोड़ना वो गलत बात है और आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कत हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं।